आज हम बात करने वाले हैं यामाहा R15 V3 के बारे में। बहुत अच्छी बाइक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। कलर के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, इसमें आपको कलर कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला नंबर थंडर ग्रे, रेसिंग ब्लू, मेटेलिक रेड, लिमिटेड एडिशन ब्लैक एंड डार्क नाइट। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का दिख जाता है बाइक का। और व्हील बेस फ्रंट टायर इसमें आपको 80/100/17 का मिल जाता है, जो आप देख पा रहे हैं, विद डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों। फ्रंट साइड लुक कुछ इस तरीके की होने वाली है, देख लो, LED के साथ बहुत अच्छी लगती है। और जो इसका ये मीटर का पूरा कंसोल होने वाला है, इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेक्नोमीटर सारे के सारे ही डिजिटल मिलेंगे। किक होती नहीं है, इंजन स्टार्ट ऑफ किलिंग स्विच मिल जाता है इसके अंदर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की होने वाली, 11 लीटर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ग्राउंड क्लियर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इस बाइक की जो लेंथ है वो 1990 mm की मिल जाती है। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस में बता चुका हूँ, विड्थ 7-5 mm की और हाइट 1135 mm की हाइट मिल जाती है। सीट्स की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, आपको फुल्ली रेसिंग टाइप बाइक लगती है। रियर टायर इसमें आपको 130/70 R17 का मिल जाता है और चैनल ABS विद ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ ही आपको बाइक मिलती है। बाइक आपको वीडियो में कैसी लग रही है तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टेल लाइट इसमें आपको LED मिलती है। पीछे का जो लुक है और ओवरऑल जो लुक है बाइक का, वो आपको फुल्ली स्पोर्ट बाइक की तरह देखने के लिए मिल जाता है, विद ग्राफिक्स बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ। माइलेज के बारे में बता देता हूँ आपको, इसका जो माइलेज होने वाला है 40 km/L का। 6-speed गेयरबॉक्स इसमें आपको मिल जाते हैं, स्लीपर क्लच के साथ मिल जाते हैं इसमें आपको 6-speed गेयरबॉक्स। कर लेते हैं हम थोड़ी सी इंजन के बाद, इसमें आपको लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत पावरफुल है। मैक्स पावर 18.6 PS की 10,000 RPM पे मिलती है और टॉर्क 14.1 Nm का 8,500 RPM। प्राइस इसके 1.25 से 1.18 तक जाते हैं ऊपर।